जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वही पूरी दुनिया जीत सकते हैं, बशर्ते वो सपने खुली आंखों से देखी जाए, क्योंकि वही वो सपने होते हैं जो हकीकत में मुकम्मल होने की ताकत रखते हैं। ऐसा ही एक सपना देखा था असम राज्य के होजाई में स्थित एक ऐसे जोड़े ने, जिनको अपने सपनों पर और अपने बुलंद इरादों पर निसंदेह यकीन था, जो जानते थे कि अपने पक्के इरादों के चिराग से वो हजारों लाखों घरों को रोशन करेंगे। जी हाँ, जिक्र हो रही है मरहूम हाजी अजमल अली साहब और मरहूमा मरियमुन्निसा अजमल जी की, जिन्होंने समाज में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने का सपना देखा था। एक ऐसा समाज जहाँ किसी भी किस्म की सामाजिक असमानता ना हो। उन्होंने सपने देखने की हिम्मत इसलिए करी क्योंकि वो जानते थे कि उनके दामन में 5 ऐसे सितारे हैं जो हर हाल में उनके सपनों को रोशन करके रहेंगे, और बेशक किया भी। उन 5 बेटों ने अपने माता पिता के इच्छाओं को साकार किया और उनके सपनों को अजमल फाउंडेशन के नाम का एक वास्तविक रूप प्रदान किया। 2005 में अजमल ब्रदर्स के एक बोर्ड मीटिंग के फलस्वरूप अजमल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी, जो कि एक ISO यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसका मुख्य उद्देश्य है सर्विंग ह्यूमैनिटी इन नीड, जरूरतमंदों की सेवा करना। एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड प्रमोशन, वुमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी एलिविएशन, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन, वाटर मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन, कैंसर केयर, विकलांगों और बेवाओं की सहायता करना, लीगल एंड डिजिटल लिटरेसी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ केयर एंड फैमिली वेलफेयर आदि समाज के कुछ प्रमुख क्षेत्रों में अजमल फाउंडेशन ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। अजमल फाउंडेशन की असाधारण भूमिका को थोड़े समय में बता पाना सचमुच नामुमकिन है, फिर भी ये एक छोटी सी प्रयास है जिसके जरिए आप सभी को बताया जा सके कि 2005 में लगाया गया एक छोटा सा पौधा आज इतना बड़ा वृक्ष बन चुका है कि हजारों लाखों लोगों ने इसमें पनह ली हुई है। अजमल फाउंडेशन एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मुख्य उद्देश्य है उत्तर पूर्वी भारत में एक क्रांतिकारी बदलाव लाना और राष्ट्र निर्माण के कार्य में एक कारगर साधन सिद्ध होना, जो कि देश और दुनिया में भारत के नाम का परचम और ऊंचा करेगा। अजमल फॉर एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल के आदर्श वाक्यों के साथ शुरू हुआ था अजमल फाउंडेशन, जिसने ठान लिया था गरीबों और पिछड़े वर्गों के लोगों को मॉडर्न एजुकेशन के जरिए आगे लाने का। 2005 में होने वाला अजमल नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन एक ऐसा कम्पिटिटिव एग्जाम था जिसका आयोजन युवाओं में ज्ञान को प्रज्वलित करने और उनमें सीखने की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किया गया था। इसी के साथ एक और सपना पूरा किया था अजमल फाउंडेशन ने सेंट परसेंट लिटरेसी प्रोग्राम के जरिए। मरकजुल मारिफ, जो कि अजमल फाउंडेशन का एक सहयोगी संस्थान है, उन्होंने सेंट परसेंट लिटरेसी प्रोग्राम का संचालन किया था। अजमल फाउंडेशन के सहयोग से उन्होंने होजाई को नॉर्थ ईस्ट में पहला ऐसा नगर बनाया जहां 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को, जो कि सामाजिक और आर्थिक कारणों से अपनी शिक्षा से वंचित हो चुके थे, उनको स्कूलों में नामांकित करवाया और उनको साक्षर बनाया गया। 2005 में शुरू हुए इस लिटरेसी मिशन को अजमल फाउंडेशन ने 2014 तक जारी रखा और होजाई में 5 सेंटर्स चलाए, जिसमें होजाई और इसके आसपास के 400 से अधिक बच्चों को शिक्षित किया गया, जिनमें हरिजन कॉलोनी हिंदी LP स्कूल और अहमदनगर प्राइमरी स्कूल सबसे ज्यादा उल्लेखनीय है। शिक्षा की इस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए 2006 में एस्टैब्लिश की गई थी मरियम अजमल वुमेन्स कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी होजाई में इंटरमीडिएट लेवल के लिए। अजमल के बगीचे में खिलने वाला ये वो फूल है जो आज तक कभी मुरझाया नहीं, बल्कि हर साल के साथ इस फूल ने कामयाबी के अनगिनत पंखों को खोला है। अजमल फाउंडेशन की ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच का एक और बड़ा उदाहरण है 2007 का असम फ्लड्स। असम में जब हर साल बाढ़ से पीड़ित होकर
हजारों लाखों लोगों की जान पे बनाती है, तो वहीं 2007 में अजमल फाउंडेशन ने फ्लड्स के दौरान हजारों लोगों तक मदद पहुंचाई और उनके खाने पीने के सामान के साथ कपड़े आदि के जरूरतों को भी पूरा किया। अजमल कंप्यूटर सेंटर डबोका में टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम वेंचर स्कूल के टीचर्स के लिए राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स बाय द डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ असम के आदि प्रोजेक्ट्स को भी अजमल फाउंडेशन ने 2007 में अंजाम दिया। 2005 में शुरू हुई सपनों की धारा ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर साल कामयाबी के इतिहास को नए सिरे से लिखना जैसे अजमल फाउंडेशन के लिए एक जुनून सा बन गया था। अजमल फाउंडेशन के मानवतावादी प्रयासों की किताब में एक नया अध्याय जुड़ा जब 2008 में हाजी अजमल अली कॉलेज नील बगान अजमल फाउंडेशन की एक और ब्रांच ऑफिस धुबरी में और हाजी अजमल अली मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कपासबाड़ी में स्थापित हुआ और साथ ही साथ वेंचर स्कूल के टीचर्स तक आर्थिक मदद पहुंचाई गई। अजमल फाउंडेशन की परोपकारी गतिविधियों ने वर्ष 2009 में सफलता की एक और उड़ान भरी थी जब धुबरी में अजमल कंप्यूटर सेंटर की स्थापना की गई। इसी साल एक बार फिर अजमल फाउंडेशन ने बाढ़ और अन्य सामाजिक आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान लोगों तक राहत पहुंचाई और सिर्फ इतना ही नहीं, शिक्षा के मार्ग पर अग्रसर होते हुए कृष्णकांता हैंडिक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी स्टडी सेंटर की स्थापना भी इसी वर्ष को की गई थी। वर्ष 2010 में अजमल फाउंडेशन के एजुकेशनल एक्टिविटीज में वृद्धि देखी गई जब राज्य के विभिन्न कोनों जैसे चौधरी बाजार, दो गांव, हाथसिंगीमारी, गौरीपुर, खारूपेटिया आदि में 10 और कॉलेज एवं सेकेंडरी स्कूल्स स्थापित किए गए। टेक्निकल एजुकेशन को भी उचित महत्व मिला जब NCPUL एफिलिएटेड एक और कंप्यूटर सेंटर की स्थापना की गई। अजमल फाउंडेशन के एजुकेशनल वेंचर ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की जब 2011 में होजाई और खारूपेटिया में मरियम अजमल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना की गई। एजुकेशनल इनिशिएटिव्स के अलावा अजमल फाउंडेशन ने 2011 में ही असम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के ग्रामीण बिलो पॉवर्टी लाइन के युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इनिशिएटिव भी शुरू किया, जिसे भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा प्रायोजित किया गया था। वर्ष 2012 में अजमल फाउंडेशन ने अपने सपनों के पंखों को और खोला जब मरियम अजमल विमेंस कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था देश भर में साइंटिफिक टेम्परामेंट यानी वैज्ञानिक मानसिकता को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की शिक्षा को और मजबूत करना। इस कॉलेज से पढ़कर देश के उत्कृष्ट परीक्षाएं जैसे IIT जैम, गेट आदि को पास करके आज महिलाएं इतनी आगे बढ़ चुकी हैं कि महिला सशक्तिकरण में इस संस्थान का नाम सर्वोच्च स्थान पर आता है। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के तहत इस कॉलेज ने हर साल रैंक्स हासिल करके अपने आप को और अजमल फाउंडेशन को एक अलग पहचान दी है। एजुकेशनल इनिशिएटिव्स के साथ साथ मानवता दृष्टिकोण से भी इस साल अजमल फाउंडेशन पीछे नहीं रहा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग स्टडी सेंटर, ड्रिंकिंग वाटर स्कीम, स्वच्छता योजना, सिलाई मशीन वितरण करना, लाइवलीहुड किट डिस्ट्रीब्यूशन, विंटर एड, रमादान फूड किट आदि जैसे मददगार कदम भी 2012 में उठाए गए। अजमल फाउंडेशन के ह्यूमैनिटी ओरिएंटेड एक्टिविटीज प्रत्येक कॉलेज और एजुकेशन इंस्टीट्यूट द्वारा उठाए गए हर एक कदम से अजमल फाउंडेशन की परोपकारी प्रकृति यानी फिलैंथ्रोपिक नेचर की गवाही मिलती है। 2013 में अजमल फाउंडेशन ने अपने पंखों को और फैलाया। दो और ब्रांच ऑफिसर्स खोले गए करीमगंज और गुवाहाटी में। अजमल फाउंडेशन ने मेधावी छात्रों को जो कि गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL कैटेगरी के हैं, उनको स्कॉलरशिप भी प्रदान किया। काशीपाड़ा में अजमल मॉडल विलेज नामक एक आदर्श गाँव को भी स्थापित किया गया। वर्ष 2014 अजमल फाउंडेशन के लिए एक और ऐतिहासिक साल था।
नाजीर अजमल मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई, जिसने अजमल फाउंडेशन को सफलता का एक नया स्तर प्रदान किया। नाजीर अजमल मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन के खुलने से अजमल फाउंडेशन की एजुकेशनल एक्टिविटीज को एक नया आयाम मिला। ये एक ऐसी संस्थान है जहां इंडिया के भविष्य शिक्षण और सिखाने के तरीके को, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, ग्लोबल लेवल की तकनीकों से लैस किया जाता है, ताकि आने वाले समय में शिक्षकों की प्रणाली में अजमल फाउंडेशन के बनाए गए शिक्षकें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम स्थान हासिल कर सके। विभिन्न पाठ्यक्रमों के साथ इस संस्थान को NCTE यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की मान्यता भी प्राप्त है, और हर साल इस कॉलेज, जो कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के तहत है, प्रथम और द्वितीय स्थान के साथ बाकी बेस्ट रैंक्स को भी हासिल करके अपने आप को और अजमल फाउंडेशन को एक अलग मुकाम दी हुई है। इसके अलावा अजमल फाउंडेशन द्वारा 2014 में शुरू की जाने वाली अन्य समाज कल्याण गतिविधियों में भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स द्वारा सीखो और कमाओ योजना, फ्री कोचिंग आदि संबंधित योजनाएं, लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट, रिंग वेल और ट्यूब वेल परियोजना, बेवा, यतीम एवं विकलांग लोगों के लिए आर्थिक सहायता देना आदि प्रोजेक्ट्स भी शामिल थे। साल 2015 भी अजमल फाउंडेशन के लिए एक बहुत कामयाब साल रहा। बहुत सारे वेलफेयर प्रोजेक्ट्स को इस साल अंजाम दिया गया, जैसे कि नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, यूनाइटेड किंगडम मुस्लिम एड द्वारा प्रायोजित जॉब ओरिएंटेड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, नेशनल चिल्ड्रंस फंड द्वारा आयोजित मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की योजना उन बच्चों के लिए जिनके पास घर नहीं है, जो सड़कों पर रहते हैं और शिक्षा से वंचित है आदि। शिक्षा के स्तर को और ऊंचा करने के लिए अजमल नेशनल रूरल एजुकेशन मूवमेंट को भी इसी साल शुरू किया गया था, और 2016 में भी अजमल फाउंडेशन ने कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की स्थापना की, जैसे अजमल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जंगल ब्लॉक, अजमल आदर्श जातीय विद्यालय आकाशी गंगा आदि, और साथ ही स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, डायलिसिस ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट्स आदि को भी अंजाम दिया। कई सारे अवार्ड्स, जैसे कि एसोचम द्वारा सिल्वर ट्रॉफी, अमेरिकेयर इंडिया अवार्ड भी अजमल फाउंडेशन को इसी साल मिला। सन 2016 के 20 दिसंबर के ऐतिहासिक दिन को अजमल फाउंडेशन के तत्वावधान में तब के जिला उपायुक्त श्रीमान मानवेंद्र प्रताप सिंह जी के उपस्थिति में अजमल फाउंडेशन के फाउंडर मैनेजिंग ट्रस्टी मौलाना बद्रुद्दीन अजमल साहब ने अजमल सुपर 40 का उद्घाटन किया था। इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई के प्रावधान से शुरू की गई थी अजमल सुपर 40। ये हमारे अजमल फैमिली के ट्रस्टीज द्वारा देखा गया एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। समाज के पिछड़े वर्गों के बच्चों के डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनने के ख्वाब को पूरा करने का एक कारगर साधन है अजमल सुपर 40। 40 जरूरतमंद एवं मेधावी बच्चों को लेकर शुरू हुआ था ये सफर अजमल सुपर 40 का। 2017 में अजमल फाउंडेशन ने कई महत्वपूर्ण कल्याणकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। नई मंजिल असम योजना, ये योजना अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाई गई। नई मंजिल मेघालय योजना, ये योजना भी अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाई गई। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित की गई थी। अजमल फाउंडेशन द्वारा संचालित असम साहित्य सभा ओपन एजुकेशन स्टडी सेंटर, असम स्टेट ओपन स्कूल स्टडी सेंटर, DLED स्टडी सेंटर आदि स्किल डेवलपमेंट एवं एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स चलाए गए। साथ ही पश्चिम बंगाल में अजमल फाउंडेशन की एक और शाखा खोली गई। इसी साल डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए अजमल फाउंडेशन को ENGO चैलेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इन्हीं गतिविधियों के माध्यम से अजमल फाउंडेशन ने शिक्षा, रोजगार और सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 2018 अजमल फाउंडेशन के लिए एक बहुत सफल वर्ष था, जब समाज के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के लिए कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए। सबसे पहला सफल कदम था अजमल लॉ कॉलेज की स्थापना,
जिसका उद्देश्य था असम के दूर दराज के क्षेत्रों और देश के अन्य हिस्सों के गरीब और मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण कानूनी शिक्षा प्रदान करना। यह कॉलेज बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त है और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंडर अफिलियेटेड है, जिसे अजमल फाउंडेशन द्वारा चलाया जाता है। इस संस्थान ने अब तक 3 बैचेस को सक्सेसफुली कंप्लीट किया और हर साल फर्स्ट और सेकंड पोजीशंस के साथ और काफी अच्छे पोजीशंस भी अजमल लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स ने हासिल किया है। 2 अजमल सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, एक चेंगा में और दूसरा कोलगाछिया में उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया। नई रोशनी योजना को अमल किया गया, जो कि एक सरकारी कल्याणकारी योजना है अल्पसंख्यक महिलाओं को ज्ञान, बुनियादी तकनीकें और उपकरणों से सशक्त बनाने के लिए। अजमल मॉडर्न रेजिडेंशियल स्कूल भेलोगुड़ी की स्थापना की गई। कैंसर रोगियों के लिए कैंसर केयर प्रोग्राम को भी चलाया गया। नमस्कार, मेरा नाम शिल्पी शिखा, मूल घर जोरहाट। पुलप्रथमे आज हम क्षण अजमल फाउंडेशन समूह परिवार बीस बस गर्भवती शुभेच्छा ज्ञापन करूँ। मैं एगारी ब्लाड केन्सार पेसेंट और 2018 सनों कलकता टाटा मेडिकल सेन्टार अजमल फाउंडेशन जी केन्सार केयर प्रोग्राम आए तार अधीन मैं चिकित्सा ग्रहण करूँ। मोर चिकित्सा जथेष दीघलिया और व्ययबहुल आई गोटे समयखिन अजमल फाउंडेशन आर्थिक दिशते हमको मोर मेन्टल सपोर्ट दिशते हम जथेष अरिहना जोगाइले जार कारण मैं सदा कृतज्ञ हो थी। रोगी एजन सुस्थ हो उठने जीखिन टका पैसार लगते जीखिन मेन्टल सपोर्ट लगे सैया मैं पासी सको मोर कारण दुआ करें जारे मैं आज आरोग्य हो उठिल और बहुजनेर यह प्रब्लेम अधीन चिकित्सा ग्रहण कर आरोग्य लाभ कर अजमल फाउंडेशन दीर्घजीवी हाँ पुनर्बार सकते धन्यवाद जानसो। थैंक यू। इन्हीं सब काम को अंजाम देने के चलते एसोचेम यानी कि द एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ने कौशल विकास के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ एनजीओ के रूप में अजमल फाउंडेशन को गोल्ड ट्रॉफी से सम्मानित किया। होजाई जिला प्रशासन ने भी सामाजिक विकास के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य के लिए अजमल फाउंडेशन को मान्यता दी। ये सन 2018 की ही बात थी जब अजमल फाउंडेशन के अंतर्गत अजमल सुपर 40 के छात्र अमर सिंह थापा ने 12वीं कक्षा विज्ञान शाखा से असम राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया और वर्तमान में उनको राजस्थान के बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पिलानी में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के लिए अजमल फाउंडेशन ने पूरी जिम्मेदारी ली हुई है। वर्ष 2019 ने अजमल फाउंडेशन की कार्य प्रणाली को और अधिक प्रेरणा दी, जिसके तहत एक आजीविका प्रोत्साहन कार्यक्रम यानी लाइवलीहुड प्रमोशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई, जिसमें ई रिक्शा वितरण परियोजना शामिल थी। इस परियोजना ने कई वंचित परिवारों को अपनी आजीविका कमाने का एक तरीका प्रदान किया। अजमल फाउंडेशन का एक और मानवतावादी पहल है वॉल ऑफ वार्म्थ, जहां गरीब लोगों को कपड़े दान किए जाते हैं और वे अपनी आवश्यकता के अनुसार कपड़े चुन सकते हैं। अजमल फाउंडेशन गरीब मरीजों को आपातकालीन चिकित्सा सहायता यानी इमरजेंसी सर्विसेज भी प्रदान करता है। सन 2019 ही था जब अजमल सुपर 40 के 22 छात्र व छात्राओं ने नीट और 11 छात्रों ने इंजीनियरिंग के एग्जाम को क्रैक करके बेहतरीन कॉलेजेस में फिलहाल अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। वर्ष 2020 में अजमल फाउंडेशन ने अजमल इंस्टीट्यूट ऑफ जुडिशियल कोचिंग एंड गाइडेंस की स्थापना की और साथ ही अजमल मॉडर्न रेजिडेंशियल स्कूल की नींव रखी गोपाल नगर में। साथ ही अजमल लाइवलीहुड प्रोग्राम चला भेलोगुड़ी में। नई रोशनी स्कीम माइनॉरिटी मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित स्किल ट्रेनिंग और प्लेसमेंट प्रोग्राम कामयाबी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सन 2020 में अजमल फाउंडेशन के अंतर्गत अजमल सुपर 40 को उत्तर पूर्वी भारत में एक प्रीमियम कोचिंग इंस्टीट्यूट होने की मान्यता प्राप्त हुई। इसी साल 84 छात्रों को मेडिकल में और 14 छात्रों को इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में कामयाबी मिली। इस कामयाबी ने अजमल सुपर 40 और अजमल फाउंडेशन के नाम एक ऐसी विरासत छोड़ी हुई है जो अपने आप में एक इतिहास है। वक्त के साथ अजमल फाउंडेशन ने खुद को एक बदलाव का साधन सिद्ध किया है और 2021 में अजमल फाउंडेशन ने अजमल IAS अकेडमी की स्थापना के साथ कामयाबी का एक नया मंजर हासिल किया। अजमल IAS अकेडमी की स्थापना इस उद्देश्य से की गई है कि युवाओं को केंद्रीय और राज्य सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण कोचिंग,
मार्गदर्शन और मेंटरशिप प्रदान की जा सके, जिससे केंद्रीय और राज्य सिविल सेवाओं में प्रतिभाशाली व्यक्तियों की उपस्थिति बढ़ सके। शुरुआत से अब तक 90 से अधिक ब्यूरोक्रेट्स को समाज को दिया है अजमल फाउंडेशन ने, जिसमें यूपीएससी से लेकर असम स्टेट पीसीएस, असम पुलिस सर्विसेज आदि में अजमल फाउंडेशन के स्टूडेंट्स ने अव्वल स्थान हासिल किया और समाज सेवा में कार्यरत है। इसके साथ ही अजमल सुपर 40 की एक और शाखा धुबरी में स्थापित की गई। इन दो संस्थानों की महान सफलता के साथ साथ 6 नए मॉडल गांवों का विकास किया गया। चारिंग, चांगमाजी, अहमदनगर, तारापुर, नोआमाटी और पश्चिम जरूनी। अजमल फाउंडेशन ने अपने सामाजिक कल्याण सेवाओं के माध्यम से 2 महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त किए। गेटा अर्थात ग्लोबल टीचिंग एक्सलेंस अवार्ड, जो कि एमआरएस भेलुगुरी को बेस्ट रेजिडेंशियल स्कूल और एक्सलेंट टीचिंग के लिए मिला, और नई मंजिल जैसी योजनाओं के लिए CSR टाइम्स अवार्ड मिला दिल्ली में CSR समिट के दौरान। 2021 में अजमल सुपर 40 ने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट अचीव करके उत्तर पूर्वी भारत में उच्चतम सफलता के दर्ज का इतिहास रच दिया। 150 से अधिक बच्चों ने नीट एग्जाम को और 16 छात्रों ने JEE के एग्जाम को पास करके अजमल सुपर 40 और अजमल फाउंडेशन को एक ऐसे स्तर पर लेकर गए कि अब देश के नामी कोचिंग संस्थानों में अजमल सुपर 40 का नाम गूंजता है। 2022 में अजमल फाउंडेशन ने अजमल सुपर 40 की एक और शाखा बदरपुर में स्थापित की। PMFME यानी प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम, जिसे कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई थी, अजमल फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई। किए गए गुणवत्तापूर्ण कार्यों के कारण अजमल फाउंडेशन को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे भारत के श्रेष्ठ 5 कौशल विकास पहल के लिए इंडिया CSR अवार्ड, 9वें CSR समिट दिल्ली में अजमल आजीविका कार्यक्रम के लिए CSR टाइम्स अवार्ड, उसी कार्यक्रम में अजमल सुपर 40 को CSR टाइम्स अवार्ड, नेशनल अचीवर्स रिकॉग्निशन फोरम द्वारा शिक्षा उत्कृष्टता के लिए नेशनल अचीवर्स अवार्ड, और शिक्षा और आजीविका पहलों के लिए एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स द्वारा सर्वश्रेष्ठ एनजीओ अवार्ड। सिर्फ ये अवार्ड्स ही नहीं, अजमल सुपर 40 ने भी इस साल अजमल फाउंडेशन को एक स्तर और ऊपर लेकर गए। 2022 के रिजल्ट्स ने अजमल फाउंडेशन को वो मुकाम हकीकत दिलवाया जो कि एक वक्त पर महज एक ख्वाब था। 240 से अधिक बच्चों ने मेडिकल कॉलेज में और 18 बच्चों ने टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अपना स्थान हासिल किया। सन 2023 को अजमल मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की स्थापना की गई जुबीजान में। कछार के जिला प्रशासन और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट प्रायोजित जल जीवन मिशन को भी अजमल फाउंडेशन ने अंजाम दिया। बाल विवाह और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग आदि पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अलावा नशा मुक्त भारत अभियान, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम आदि परियोजनाएं भी इसी साल चलाई गई। अजमल सुपर 40 ने भी इस साल को एक बार फिर रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट दिया और 350 से अधिक बच्चों ने नीट में और 20 बच्चों ने इंजीनियरिंग एग्जाम में सफलता प्राप्त की। इसी के साथ अजमल फाउंडेशन की इस साल की एक और बड़ी उपलब्धि है अजमल सुपर 40 का एक और स्टडी सेंटर, जो कि कलगाछिया बोरपेटा में खोला गया। ये वीडियो, जिसमें अजमल फाउंडेशन के पिछले 20 वर्षों की गतिविधियों के इतिहास को दिखाया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है यह दर्शाना कि कैसे एक नाम अजमल ने पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा और कौशल विकास क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है। आने वाले भविष्य में ये संगठन यानी अजमल फाउंडेशन नॉर्थ ईस्ट को और पूरे भारत देश को एक ऐसे स्तर पर ले जाएगा कि देश और दुनिया में अजमल फाउंडेशन का डंका जोरों शोरों से बजेगा। जब कभी इंसानियत का परचम लहराया जाएगा, तब तब अजमल नाम की गूंज दुनिया के कोने कोने में सुनाई देगी।